स्टूडेंट्स सोम सर फिजिक्स आराध्य क्लासेस, हाँ आज तेरे लिए 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 6 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सरसाइज का सेकंड सम है ये। अच्छा है, कॉन्सेप्ट वाइज है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लंबा सिर्फ समझना है चीज़ों को। देख क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यूज लेंज लॉ। अरे यार लेंज का लॉ पता है क्या है? पढ़ा था ना हमने लेंज लॉ कि जब भी किसी लूप में करंट इंड्यूस होता है तो वो करंट अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट बनाता है, तभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर पाएगा। यही बोला था ना लेंज ने कि अपोज करना है, जिस वजह से इस लूप में करंट इंड्यूस हो रहा है उसी वजह का, उस रीजन का इसको अपोज करना है ना। हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, चलो आ जाओ। ऐसे तो लेंस को थोड़ा और भी बात कर सकते हैं, जैसे देख ये रहा रिंग, ठीक है, ये रहा तेरा मैग्नेट NS। थोड़ा लेंस पे बात करता हूँ फिर इस पे जाते हैं। ये रिंग है, अब इस मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इधर जाएगी, इसको टच करेगी, कनेक्ट करेगी, इसके साथ लिंक्ड होगी। ओके, ऑन मूविंग दिस मैग्नेट टूवर्ड्स द रिंग और अवे फ्रॉम द रिंग दिस फ्लक्स एसोसिएटेड विद द रिंग चेंजेस। रिंग के साथ ये जो ब्लू कलर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं, वो जो फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है वो या तो बढ़ेगा और दूर जाओगे तो घटेगा, तो चेंज इन फ्लक्स विल बी देयर। ओके, चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, ऐसे तो बिजली बनती है, अपनी बात तो हो गई थी। हाँ, इसमें करंट इंड्यूस होगा, वो जो करंट इसमें इंड्यूस होगा उसका नेचर कैसा होगा कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करूं, है ना। हाँ, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करने के लिए वो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डालेगा, ऐसे यूं दिख रहे हैं? नहीं नहीं बहुत लाइट पड़ रहा है, रुक, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर डालेगा यूं। अच्छा, अब इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है समझ, तो इस साइड नॉर्थ हो जाएगा और ये रिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से घूम के वापस अंदर आएगी तो ये साउथ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम रिंग को यहाँ से देखेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन नॉर्थ दिखेगा और पीछे वाला साउथ दिखेगा, ये लेंस के अपोज लॉ की वजह से, है ना। वेरी गुड, चल लेंस का लॉ यार, बाकी तो थियरी बहुत पढ़ा है मैंने, ये ऊपर ऊपर से बता दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमको, यही सब जो सिखाया, चलो पढ़ते हैं। यूज लेंस लॉ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब बाय फिगर दिस। ये दो फिगर है जिनमें सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया, क्रॉस है, हाँ थोड़ा ड्राइंग छोटा हो गया है, ये ऐसा क्रॉस है, ठीक है दोस्त, घबराने का नहीं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ओके, इस सब जगह है। चलो पहला सीन क्या है, ए अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। ये जो इरेगुलर शेप का वायर दिख रहा है आपको ABCD, ये रेगुलर सर्कुलर शेप में टर्न हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, इमेजिन कर, ये ऐसा वायर है इरेगुलर शेप का, वो धीमे 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 स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो के पूरा लास्ट में क्या बन जाएगा, ये एकदम सर्कल, तो उससे क्या होगा, पहले इसके अंदर इतना सा मैग्नेटिक फील्ड था लिंक्ड, जैसे जैसे ये फैलेगा मैग्नेटिक फील्ड लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो ये जो इरेगुलर शेप का लूप है उसके साथ पहले कम मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे जैसे वो फैलेगा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कवर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बढ़ रहा है, जो बाहर से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, तो ये लूप क्या चाहेगा कि उसका अपोज करूँ, तो लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डालेगा, है ना। हाँ, तो ये लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमारे लिए वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा क्योंकि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है, समझो, तो हमारे लिए वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब ये जो सर्कल बनेगा ये हमारे लिए नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा तो करंट एंटी क्लॉक होगा ना, ये तो पहले पढ़ा है ना, ऐसे देखिए नॉर्थ का सिंबल क्या देखा था अपन ने, ऐसा एंटी क्लॉक करंट, देख एन भी दिख रहा है, एंटी क्लॉक भी दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा मतलब ऐसे 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 ऐसे,
तो इसका आंसर आ गया करंट कहाँ फ्लो होगा, ए टू डी टू सी टू बी, ए टू डी टू सी टू बी टू ए, एंटी क्लॉक। क्लियर? अब इसमें देख क्या हो रहा है, इसमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ऑलरेडी कमिंग आउट, वो बाहर आ रहा है, देख ले, है ना। और ये वाला जो सर्कुलर रिंग है उसको क्या होना है देखते हैं। अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप है वो श्रिंक होके धीमे 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 स्ट्रेट वायर बन रहा है, मतलब पहले सर्कल था अब वो डिफॉर्म हो रहा है और एक वायर बन रहा है। कॉमन सेंस की बात है कि पहले सर्कल था तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ गया था, जैसे जैसे वो डिफॉर्म होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, तो ये क्या चाहेगा अपोज करना कि नहीं कम क्यों होने दूँ, मेरे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करूँ कम। यदि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रहा है तो उसको अपोज करेगा, और उसके अंदर से जा रहा है तो उसको रोकेगा, यही लेंस का देसी तरीका है ना। हाँ, तो अभी ये डिफॉर्म होगा तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है कम पड़ता जाएगा, तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ऐड कर देगा, तो ये जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ये अपना मैग्नेटिक फील्ड डालेगा। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड है, तो ये भी अपना आउटवर्ड डालेगा, है ना, आउटवर्ड डालेगा तो हमको ये नॉर्थ दिखेगा, तो यहाँ पे करंट कहाँ दिखेगा, एंटी क्लॉक, खेल खत्म। ए डी ए टू डी डैश टू सी टू बी, जो दिख रहा है वो लिख लेना, ए टू डी टू सी टू बी टू ए, यस, एंटी क्लॉक। हाँ, क्लियर? चल दो स्क्रीनशॉट ले ले। बस ये लेंस लॉ का देसी तरीका हमको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा बड़े नियम रटने नहीं है, देसी, कि कोई भी रिंग है उसके अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है वो आ रहा है तो रिंग उसको रोकना चाहेगा, और अंदर से जा रहा है तो भी उसको रोकना चाहेगा, वो अंदर आते हुए इसको रोकना है तो अपोजिट फील्ड देना पड़ेगा तो कम होगा, और मान लो उसके अंदर से जा रहा है और उसको मेंटेन करना है तो उसको खुद का फील्ड अंदर डालना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा तो मेंटेन रहेगा, है ना, यही लेंस लॉ का देसी तरीका। अच्छा लगा वीडियो तो दोस्त कमेंट लिख, ठीक है, चल बाय।